हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वेब डेवलपमेंट कोर्स। माय नेम इज पंकज। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वेब डेवलपमेंट के बारे में बताने वाला हूँ कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है, इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है और कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, वेब डेवलपमेंट में हम वेबसाइट्स बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। एग्जांपल के लिए आप फेसबुक ले लो, यूट्यूब ले लो, ये सारे वेबसाइट्स हैं। फ्लिपकार्ट ले लो, ये सारे वेबसाइट्स ही हैं जो कि वेब डेवलपमेंट के अंतर्गत बनाया जाता है। दोस्तों, वेब डेवलपमेंट आगे जाकर के दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाता है और दूसरा बैक एंड डेवलपमेंट। तो एक एक करके हम दोनों को डिस्कस करेंगे। तो बैक एंड डेवलपमेंट बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जिसमें से मैंने चार को पिक किए हैं। आप नोट के साथ जा सकते हो, PHP सीख सकते हो, पाइथन सीख सकते हो, रूबी सीख सकते हो। बैकएंड डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि मान लो कि आप अगर YouTube पे मेरा वीडियो देख रहे हो, तो ये वीडियो मेरे पास तो अभी नहीं है, बट मैंने कहीं ना कहीं YouTube के डेटाबेस में अपलोड किया है, जिसके द्वारा आप वहाँ से डेटा फेच कर पा रहे हो और देख पा रहे हो। तो बेसिकली बैकएंड डेवलपमेंट करता ये है कि हमें अलाउ करता है कि हम डेटा को कहीं ना कहीं YouTube के हार्ड डिस्क में, जहाँ पे YouTube अपना डेटा स्टोर करता हो, वहाँ पे हम अपने डेटा को अपलोड कर सकें, वहाँ से डेटा हम देख सकते हैं। तो बेसिकली बैकएंड डेवलपमेंट में हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी करते हैं कि हम डेटाबेस से कोई चीज़ कैसे अपलोड कर पाएँ, कैसे वहाँ से डेटा ले पाएँ। तो इन चारों लैंग्वेजेज में से आप कोई भी लैंग्वेज पिक कर सकते हो, बट इन सारे लैंग्वेजेज के बावजूद आपको थोड़ी बहुत फ्रंट एंड डेवलपमेंट की नॉलेज होनी ज़रूरी होती है। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता क्या है। दोस्तों, मैं इन तीनों लैंग्वेजेस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि मैं भी एक फ्रंट एंड डेवलपर ही हूँ और इन तीनों लैंग्वेजेस पे मैं अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल लाने वाला हूँ, जो कि आप लोगों के सामने काफ़ी जल्द आने वाला है। तो अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं, तो आपको ये तीनों बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए, HTML, CSS एंड JavaScript। दोस्तों, आजकल बहुत सारे नए नए फ्रेमवर्क हैं, मान लो बूटस्ट्रैप है, फाउंडेशन है, एंगुलर है, रिएक्ट है, एम्बर है, बट ये सारे जितने भी फ्रेमवर्क हैं वो सब कुछ बेस्ड हैं इन्हीं तीन लैंग्वेजेज पे। इन्हीं तीन लैंग्वेजेज को यूज़ करके वो सारे फ्रेमवर्क बनाए गए हैं। अगर आप इन तीन लैंग्वेजेज को अच्छे से जानते हो, तो आप भी उस तरह के फ्रेमवर्क बना सकते हो। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं HTML के बारे में कि HTML होता क्या है। HTML stand for Hypertext Markup Language। Hypertext का मतलब ये होता है कि जब कोई टेक्स्ट किसी लिंक के साथ हो, जैसे कि आप किसी वेबसाइट में देखते हो कि ऊपर नेविगेशन में लिखा रहता है होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, गैलरी, अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको वो उस पेज पर ले जाता है। तो Hypertext कहने का मतलब यही हुआ कि टेक्स विथ लिंक ऑफ सम इन अदर पेज। आप सेकेंड जो वर्ड है मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है, मार्कअप का मतलब होता है सजावट। अगर मान लो कि कोई वर्ड ए लिखा हुआ है, अगर मैं उसको चाहता हूँ कि थोड़ा सा वो करली में आए, या फिर थोड़ा सा बड़ा दिखे, या फिर थोड़ा सा बोल्ड नज़र आए, तो उसके लिए हम मार्कअप लैंग्वेज का यूज करते हैं। HTML जो है वो आपके वेबसाइट को स्ट्रक्चर देता है, सिर्फ स्ट्रक्चर देता है कि ये सारे कंटेंट को लेता है और कंटेंट को आपके वेबसाइट में पेस्ट कर देता है, बस इतना ही इसका काम है। अब आते हैं CSS में। CSS करता क्या है कि आपके पास जो भी HTML कंटेंट है आपके वेबसाइट में, उसको ये स्टाइल करता है, ये लुक एंड फील देता है। जैसे कि आप मान लो कि आपने HTML लिख दी, आपने होम लगा दिया, अबाउट अस लगा दिया, कॉन्टेक्ट अस लगा दिया, तो वो तो एक के नीचे एक आते हैं, ऐसे करके आते हैं। अगर मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, अगर उसी को हम CSS यूज करते हैं, तो उसको हम एक रो में ला सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल में ला सकते हैं। तो ये चीज़ जो होती है CSS कर सकता है। नेक्स्ट जो आता है वो होता है JavaScript। JavaScript दोस्तों क्या होता है कि ये बिहेवियर प्रोवाइड कराता है हमारे HTML को। हम JavaScript के थ्रू HTML को चेंज कर सकते हैं, CSS को चेंज कर सकते हैं। ये बेसिकली अलाउ करता है कुछ एक्शन प्रोवाइड कराने के लिए, कि अगर हम मान लो, जैसे कि आप देखा होगा कि आप कहीं फॉर्म भरते हो
और उसमें अगर आप नाम वगैरह गलत डाल देते हो या फिर डालना भूल जाते हो तो आपको एरर शो हो जाता है कि आपने यहाँ पे अपना नाम नहीं डाला। तो ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट कर सकता है, उसको बिहेवियर प्रोवाइड कराता है, एक्शन प्रोवाइड कराता है। और नेक्स्ट जो है जेक्यूरी, ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट ही है, जो कि जावास्क्रिप्ट को ही थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, जिससे कि जावास्क्रिप्ट को यूज करना आसान हो जाता है। तो दोस्तों चलिए हम इन तीनों लैंग्वेजेस पे एक एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर वेबसाइट जो है सिर्फ एचटीएमएल को यूज करके बनती है तो कैसा दिखता है, और एचटीएमएल सीएसएस को यूज करके बनता है तो कैसा दिखता है, और तीनों लोग जेएस के साथ में यूज करके बनाते हैं तो कैसा दिखता है। तो दोस्तों ये एचटीएमएल है, तो सबसे पहले एचटीएमएल में क्या होता है कि एचटीएमएल में हमने कंटेंट डाला है। पहला हमने डाला है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बता रहा था, होम अबाउट अस, तो ये होम हो गया, अबाउट अस है, पोर्टफोलियो है, कंटेक्ट है, और ये H1 जो है, ये सारे क्या कर रहे हैं, सबको ये मार्कअप लैंग्वेज है, ये सब कुछ मार्कअप कर रहे हैं कि H1 जो है वो कैसा दिखेगा। H1 का मतलब होता है हेडर, अगर H1 लिखते हैं तो ये थोड़ा बोल्ड दिखता है, इसी तरह H1 करके H6 तक होता है, अगर H6 लिखेंगे तो सबसे छोटा होता है। और ये जो आप देख रहे हो पैराग्राफ, पी का मतलब होता है पैराग्राफ, जो भी नॉर्मल हम टेक्स्ट आप देखते हैं, जैसे मान लो अबाउट अस में अबाउट अस बड़ा लिखा रहता है, उसके अंदर जो कंटेंट होता है वो सब कुछ पी के अंदर लिखा रहता है। तो पी क्या कर रहा है कि मार्कअप कर रहा है इनको, इनको छोटा बड़ा या फिर बोल्ड जो भी कह लो वो चीज़ें कर रहा है। और मैंने यहाँ पे बटन डाल रखे हैं, जिसका जिस बटन में उसका नाम है ऑरेंज एंड ब्लैक नाम का। तो चलिए हम इसका आउटपुट देखते हैं कि अगर सिर्फ हम HTML यूज करते हैं तो हमें वेबसाइट कैसे दिखती है। तो दोस्तों ये है HTML, अगर हम सिर्फ HTML यूज करते हैं तो ये सारे मैंने कहा था ना कि HTML सिर्फ कंटेंट को ब्राउज़र में पेस्ट कर देता है। तो हमने एज इट इज़, जैसे कि हमने कंटेंट डाला था, आप एग्जांपल में देख सकते हो कि ये UL का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट। सॉरी मैं आपको HTML यहाँ नहीं बताऊँगा, HTML में HTML के ट्यूटोरियल में पढ़ाऊँगा। तो जस्ट आप यहाँ देख सकते हो कि टेक्स्ट हमने डाला है, होम एंड होम डाला है, अबाउट अस डाला है, पोर्टफोलियो डाला है, कॉन्टेक्टस डाला है, हेलो वर्ड डाला है, चेंज द कलर डाला है, एंड ये दो बटन बनाए हैं ऑरेंज एंड ब्लैक नाम के। तो आप इसका आउटपुट देख सकते हो कि आउटपुट इसका कैसा आया। तो ये इसका आउटपुट है। अगर हम चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि CSS के थ्रू क्या कर सकते हैं। तो CSS अगर हम बट CSS कहाँ यूज होगा, किसको स्टाइल करने के लिए, वो HTML को। तो HTML जो है हम HTML को ही मॉडिफाई करते हैं, स्टाइल करते हैं JavaScript एंड CSS के थ्रू। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो CSS का देखते हैं कि CSS में क्या होता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा CSS का कोड, आप इसको छोटा छोटा करके देखते हैं। ये है हमारा CSS का कोड। तो ये तो पूरा HTML वही है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये HTML वाला ही कोड है। बस हमने क्या किया है कि इसमें स्टाइल देकर के CSS लैंग्वेज जो होती है वो लिखा है। तो CSS में हमने क्या किया है कि जितने भी बॉडी हैं, ये पूरा बॉडी होता है, जितने भी कंटेंट इसमें हम डालते हैं वो सारा बॉडी के अंदर आता है। तो चलिए दोस्तों हम इसका आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट में ये हमें क्या रिजल्ट देता है। तो ये रही CSS दोस्तों, ये HTML है, जो ये कंटेंट है ना वही सारे कंटेंट हैं, बट आप फर्क देख सकते हो कि अगर हम CSS के थ्रू यूज करते हैं तो ये क्या होता है। अगर सेम चीज़ हम अब JavaScript के थ्रू देखेंगे कि JavaScript में हम कैसे एक्शन प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि मैंने JavaScript के लिए ये दो बटन बनाया है, जैसे इस पर भी हम क्लिक करते हैं तो कुछ नहीं होता है। तो CSS हमें ये सारी फंक्शनलिटी प्रोवाइड नहीं करा सकता है कि हम कोई बिहेवियर दे सकते हैं या फिर कोई एक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे मान लो कि चेंज द कलर है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसका कलर चेंज हो जाए, बट हम ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं JavaScript के थ्रू। चलिए अब JavaScript का कोड आपको दिखाता हूँ कि JavaScript में हम ये कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये JavaScript की कोडिंग है। चलिए मैं आपको और नज़दीक से दिखाता हूँ।
जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जावा स्क्रिप्ट का कोड है। यहाँ पे जो सीएसएस का कोड था वही कोड है, बस हमने ऐड किया है। तो इसमें सिर्फ जावा स्क्रिप्ट ऐड किया है। ये एचटीएमएल हमने वैसा कि जो एचटीएमएल का कोड है वो फिक्स रहेगा। इसके अंदर हम एचटीएमएल को ही चूँकि चेंज करते हैं, तो इसमें हम एक्स्ट्रा सीएसएस बना सकते हैं या फिर जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो ये सीएसएस वाली कोड तो आपने देख ली, ये जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। अब इसमें सीएसएस तो ही रहेगा, हमने एक्स्ट्रा क्या ऐड किया कि हमने जावा स्क्रिप्ट ऐड किया है। तो जावा स्क्रिप्ट में हमने क्या कहा है कि जब हम बटन पर क्लिक हो तो उसका कलर चेंज हो जाए। बेसिकली सॉरी, इस ट्यूटोरियल में आपको डिटेल जावा स्क्रिप्ट या फिर कैसे होता है ये नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अंतिम डेवलपमेंट में हम क्या क्या करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। तो ये तो थी सीएसएस, आप देख सकते हैं तीनों में डिफरेंस कितना है। अब आते हैं जेएस में। जेएस में लुक तो वही आ रहा है, बट इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अब इसमें फंक्शनलिटी क्या आ गया कि हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, मैं अगर मैरून पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया। अगर यही मैं ब्लैक पे क्लिक करूँगा तो ये इसका कलर चेंज कर दिया। तो दोस्तों एचटीएमएल, चलिए एक बार और आपको दिखा देता हूँ। ये एचटीएमएल हो गया, ये एचटीएमएल विद सीएसएस हो गया, एंड ये एचटीएमएल विद सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट हो गया जो कि हमें। तो ये अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो आपको ये तीनों लैंग्वेज आना ज़रूरी है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।